बैक टू द चैनल, मैं कौस्तुभ। तो आज का वीडियो है दोनों बाइक के कंपैरिजन के ऊपर। ये 2018 मॉडल होंडा सीबी 160R और ये होंडा एक्सबेट 160। तो दोनों बाइक का आज हम कंपैरिजन करेंगे। तो इनमें से दोनों बाइक जो है वो सेम इंजन के साथ आता है, सिर्फ जो हॉर्नेट है उसका जो BHP है वो 14.9 BHP है 8500 RPM के ऊपर, और जो एक्सलेट है उसका जो BHP है वो 13.93 BHP है 8000 RPM के ऊपर, और जो ओवरऑल इसका जो स्पीडोमीटर है वो सेम ही है ऑलमोस्ट, सिर्फ जो एक्सलेट है उसमें गियर इंडिकेटर एक्स्ट्रा दिया गया है, और जो इसका कंसोल का डिज़ाइन है वो हॉर्नेट से अलग है। हॉर्नेट का 2017 मॉडल था वही सेम है, 2018 में भी सेम मॉडल इन लोगों ने यूज़ किया गया है, जो कलर कॉम्बिनेशन है कंसोल का वो चेंज किया गया है, और जो लुक है वो थोड़ा सा चेंज है। तो अब आते हैं इसका सीटिंग पोस्चर के ऊपर। जो एक्सलेट का सीटिंग पोस्चर है, राइडिंग पोजिशन है, वो थोड़ा सा जो नॉर्मल बाइक की तरह ही है, और जो हॉर्नेट का सीटिंग पोस्चर है वो थोड़ा सा अलग है। आपको दिखने में मिल जाएगा यहाँ पर जो पीछे वाला सीट है पिलियन सीट, वो एक्सलेट में थोड़ा सा डाउन है और जो हॉर्नेट है वो थोड़ा सा ऊपर है। यहाँ पर आपको जो स्मूथ एक्सलरेशन मिलेगा वो एक्सलेट में मिलेगा। तो हॉर्नेट में जो 2018 मॉडल है उसमें भी एक्सलरेशन स्मूथ मिलेगा, मगर एक्सलेट में ज़्यादा स्मूथ है यहाँ पर। तो बेसिकली जो एक्सलेट है ये टूरिंग टाइप का बाइक है, आप इसको सीजी में हाईवे पे या फिर आप अगर टूर करने वाले हैं तो इसको यूज़ कर सकते हैं, मगर जो हॉर्नेट है वो आपको थोड़ा सा जो ट्रैफिक में प्रॉब्लम आएगा, मगर हाईवेज पे ये सही बाइक है आपके लिए। तो आते हैं आप जो ब्रेकिंग सिस्टम है उसके बारे में। जो हॉर्नेट है वो डिफरेंट ब्रेकिंग सिस्टम के साथ आया है, जो है फ्रंट डिस्क के साथ आया है, और जो ड्यूल डिस्क CBS वर्शन, और जो सिंगल चैनल ABS और ABS डीलक्स के साथ। तो यहाँ पर जो एक्सबेट आया है 160 मॉडल, इसका जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो फ्रंट में सिर्फ डिस्क है, यहाँ पर कोई भी CBS वर्शन या फिर डबल डिस्क या फिर ABS वर्शन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है अभी तक, तो होंडा कंपनी ने नहीं निकाला है, तो बाद में निकल सकते हैं। यहाँ पर जो हॉर्नेट में एक प्रॉब्लम था, चेन का इशू था, तो वो अभी नहीं है। तो होंडा वालों ने क्लेम किया है कि जो 2018 मॉडल है वहाँ पर चेन का कोई नॉइज नहीं आएगा, और जो 160 एक्सलेट है उसका जो चेन है वो पहले से ही अच्छा है। तो यहाँ पर जो हॉर्नेट में पीछे वाला जो मार्डगार्ड है वो मिसिंग है, मगर जो एक्सलेट है वहाँ पर पहले से ही स्टॉक मार्डगार्ड आता है। आप दिखाते हैं इसका जो मीटर है उन दोनों का कंपैरिजन। तो ये है एक्सलेट का मीटर, तो यहाँ पर RPM मीटर है, यहाँ पर गियर इंडिकेटर है, और यहाँ पर जो स्पीडोमीटर है, और यहाँ पर फ्यूल गेज का इंडिकेटर है, और यहाँ पर टाइम वगैरह है, और नीचे जो न्यूट्रल और अपर का साइन, और जो इंडिकेटर टर्न होता है उसका साइन, और यहाँ पर टैकोमीटर ट्रिप मीटर चेंज करने के लिए। यहाँ पर दो ट्रिप मीटर दिया गया है, ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है, हॉर्नेट की जैसा नहीं है। तो यहाँ पर हॉर्नेट है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्काई ब्लू कलर का मीटर दिया गया है, तो पहले जैसा था वो सेम है। पर जो है RPM मीटर है, यहाँ पर स्पीडोमीटर है, यहाँ पर ट्रिप मीटर, यहाँ पर टाइम, और यहाँ पर फ्यूल गेज का इंडिकेटर है। तो इस बार 2017 में जो था यहाँ पर जो बटन था वो थोड़ा सा हार्ड था, ये दो वाला बटन जो ट्रिप मीटर चेंज करने के लिए और टाइम वगैरह सेट करने के लिए, तो इस बार थोड़ा सा ये जो है स्मूथ है। ओवरऑल जो दोनों का कंपैरिजन मैंने किया उसमें से जो एक्सलेट है उसका जो एक्सलरेशन है वो बहुत ही अच्छा है, हॉर्नेट की जैसा नहीं है। तो यहाँ पर जो एक्सलेट का जो DRL है और जो हेडलाइट है वो भी बहुत लुकिंग के वाइज अच्छा है, मगर जो हॉर्नेट है वहाँ पर DRL एक्सलेट से ज़्यादा है, मगर यहाँ पर मुझे जो हेडलाइट है वो पसंद नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर कोई भी बल्ब का यूज़ नहीं किया है, यहाँ पर भी कोई भी बल्ब का यूज़ नहीं किया गया है। तो यहाँ पर एक अलग से विंडशील्ड है, आप अगर टूरिंग बाइक को देखेंगे तो बाद में वो जो
अवेलेबल होगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। तो टूरिंग बाइक है, उसके ऊपर अलग से विंडशील्ड है, यहाँ पर जो हेडलाइट है उसका गार्ड है, यहाँ पर जो इंजन है वहाँ पर भी गार्ड है, और जो पीछे यहाँ पर कैरियर वगैरह जो शार्डल बैग होता है वो लगाने के लिए अलग से जगह है। तो मैं पीछे से एक लुक दे देता हूँ आपको। यहाँ पर जो हॉर्नेट है वो सिर्फ जो एक्स टाइप का टेल लाइट है वो दिखाता है। जो एक्सलेट का शेप है वो थोड़ा सा डब्लू जैसा है। तो यहाँ पर मैं एक बार ब्रेक को दबा के दिखा रहा हूँ कि दोनों का अलग कैसा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक अलग लाइट यहाँ पर ऑन हो रहा है, और जो ये है इसका जस्ट पावर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर जो हॉर्नेट है उसके लिए कोई भी मार्ट गार्ड नहीं है। जो ये वाला पार्ट है वो थोड़ा लॉन्ग दिया गया है, मगर ये जो है ये एक स्टाइलिश लुक दिया गया है, और नीचे से एक मार्ट गार्ड भी दिया गया है। तो यहाँ पर ड्यूल चैनल साइलेंसर का यूज़ किया गया है एक्स ब्लेड में, और यहाँ पर जो पहले जैसा था 2017 वहाँ पर भी दिया गया है। यहाँ पर जो हॉर्नेट का BHP है वो थोड़ा सा रिड्यूस किया गया है। इस बार का BHP है 14.9, और जो 2017 मॉडल का BHP था वो 15.4 था। तो सिर्फ यही डिफरेंस है यहाँ पर। जो एक्स ब्लेड है और जो हॉर्नेट है उस दोनों का ही जो रिव्यू है, टेस्ट राइड है, वॉक अराउंड है, वो मेरे चैनल पे है। उसका जो लिंक है मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा, आप उसको देखते रहिए। अगर कुछ जानना चाहते हैं तो इसके बारे में तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप लोग इस वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। बाय।